So in this video, I will tell you how to take MMT of shoulder flexion and extension movement. So first, I will tell you how to take MMT of shoulder flexion. तो shoulder flexion के MMT लेने के लिए हमें क्या करना है, जो patient है उसको seated position के अंदर बैठाना है. और आपको पता होगा कि MMT के अंदर टोटल 0 से 5 तक ग्रेडिंग होती है. तो जब भी हमें टेस्ट करना होता है MMT, तो सबसे पहले हम थर्ड ग्रेड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड होता है वो माना जाता है कि वो स्टैंडर्ड ग्रेड है. क्योंकि थर्ड ग्रेड तक पेशेंट नॉर्मली कर लेता है, एटलीस्ट थर्ड ग्रेड जितना पेशेंट परफॉर्म कर लेता है. इसलिए हमेशा हमें सबसे पहले अगर MMT लेना स्टार्ट करना है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, तो थर्ड ग्रेड से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए. तो थर्ड ग्रेड का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है वो पूरी रेंज के अंदर अपना जो मूवमेंट है वो कर पा रहा है बिना कोई रेजिस्टेंस के, और ग्रेविटी के अगेंस्ट वो मूवमेंट परफॉर्म करता है. तो इसके अंदर जो पेशेंट होगा वो सीटेड पोजीशन के अंदर होगा. तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एक हैंड होगा वो शोल्डर को स्टेबलाइज करेगा, और पेशेंट को हमें बोलना है कि आपको शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करना है. जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक अपना शोल्डर लेके जाना है, आपको मूवमेंट परफॉर्म. तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो शोल्डर फ्लेक्शन है वो 0 से 180 तक नॉर्मल डिग्री होती है, और जो पेशेंट है वो पूरा 180 तक परफॉर्म कर पा रहा है. तो जो शोल्डर फ्लेक्शन है उसका नॉर्मल रेंज होता है 0 से 180 डिग्री, और जो मसल्स जो हेल्प करती है शोल्डर फ्लेक्शन के लिए वो होती है हमारे जो डेल्टोइड है उसके एंटीरियर फाइबर्स, कोराकोब्रेकियलिस, और उसके अलावा कुछ एसेसरी मसल्स भी होती है जैसे सेरेटस एंटीरियर. वो हमारा जो स्कैपुला है उसको अपवर्डली रोटेट करवाती है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है वो होता है. उसके अलावा पेक्टोरलिस मेजर मसल भी होती है, सुप्रा स्पाइनेटस भी होती है. जो सुप्रा स्पाइनेटस होती है जो हमारा इनिशियल फ्लेक्शन होता है उसको कराने में मदद करती है. अब हमने थर्ड ग्रेड तो चेक कर लिया, अब हम फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड चेक करते हैं. तो फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड चेक करने के लिए हमें जो अपना एक हैंड होगा वो स्टेबलाइज करना है शोल्डर के ऊपर, और जो दूसरा हैंड है उससे हमें रेजिस्टेंस देना है. रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देना है, जो एल्बो है उसके जस्ट ऊपर यानी कि डिस्टल ह्यूमरस के ऊपर हमें रेजिस्टेंस देना है. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट का जो हाथ है वो पैसिवली या फिर पेशेंट खुद एक्टिवली 90 डिग्री तक लेके जाएगा. यानी कि जो वो पहले जिसने उसने मूवमेंट किया था पूरा 180, तो उसका जो 50% है वहां तक हमें उसका हाथ लेके जाना है. फिर हमें क्या करना है, एल्बो की जस्ट अबाउ यानी कि डिस्टल ह्यूमरस पे हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे. तो इसके अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या होता है, हमें स्लाइट टू मॉडरेट रेजिस्टेंस देना होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और पेशेंट को होल्ड करके रखनी है ये पोजिशन. तो अगर पेशेंट होल्ड करके रख पा रहा है इसका उसका मतलब है कि उसका फोर्थ ग्रेड अच्छा है. लेकिन अगर फोर्थ ग्रेड पे माइल्ड टू मॉडरेट रेजिस्टेंस लगा दी और एकदम पेशेंट कर नहीं पा रहा है, फिर उसने हाथ अपना नीचे कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि उसका फोर्थ ग्रेड नहीं है, उसका सिर्फ थर्ड ग्रेड है. क्योंकि थर्ड ग्रेड में उसने पूरा अपना रेंज ऑफ मोशन कर लिया था कम्प्लीट, तो उसका सिर्फ थर्ड ग्रेड माना जाएगा, फोर्थ ग्रेड नहीं माना जाएगा. अब फिफ्थ ग्रेड के लिए हमें क्या करना है, हमें वही पोजीशन लेनी है, पेशेंट को 90 डिग्री तक फ्लेक्शन करवाना है, और अब हमें क्या करना है, सीवियर रेजिस्टेंस देना है. तो इस टाइम पे हमें पूरा फुल रेजिस्टेंस देना है, और अगर पेशेंट मेंटेन करके रख पा रहा है ये पोजीशन, तो इसका मतलब उसका फिफ्थ ग्रेड अच्छा है. तो पेशेंट को बोलना है कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे. अगर वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रख लेता है तो इसका मतलब उसका फिफ्थ ग्रेड है, और अगर वो होल्ड करके ना रख पाए और अपना हाथ एकदम से नीचे कर दे तो इसका मतलब उसका फिफ्थ ग्रेड नहीं है. तो अब हमने ग्रेड 3, 4, 5 तो देख लिया, अब हम ग्रेड देखेंगे सेकेंड. तो सेकेंड ग्रेड के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार जो ग्रेविटी होगी वो एक्ट नहीं करेगी, यानी ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजिशन होगी. हमें रेजिस्टेंस भी नहीं देना है और पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करेगा. तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन के अंदर रखेंगे और पेशेंट को हम बोलेंगे उसको पूरा फ्लेक्शन परफॉर्म करना, और हम नीचे से सपोर्ट दे सकते हैं और हमें शोल्डर स्टेबलाइज करके रख सकते हैं और नीचे से सपोर्ट दे सकते हैं. अब पेशेंट जो होगा वो पूरा जहाँ तक फ्लेक्शन वो कर सकता है तो वो करेगा. करो तो यहाँ पे ये 180 डिग्री तक फुल परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनका फ्लेक्शन का रेंज रहेगा 0 से 180 डिग्री.
अब जो ग्रेड फर्स्ट होता है वो होता है फ्लिकर कॉन्ट्रेक्शन, तो इसके अंदर जो पेशेंट है वो मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो उधर नो मूवमेंट होगा, लेकिन एक फ्लिकर कॉन्ट्रेक्शन दिखेगा, वो भी कहाँ पर, जो हमारी इंटीरियर डेल्टॉइड होती है, अगर वहाँ पे हम पालपेट करके देखेंगे या फिर हमें आँखों से एक हल्का सा वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा, तो हमारी जो एंटीरियर डेल्टॉइड मसल होती है तो वहाँ पे हमें एक फ्लिकर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा ग्रेड वन के दौरान, और इसके अंदर कोई मूवमेंट पेशेंट का नहीं दिखेगा। तो अब जब भी हम शोल्डर फ्लेक्शन की MMT ले रहे होते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हमारी जो डेल्टॉइड मसल काम नहीं कर रही होती है, यानी कि मैंने आपको अभी बताया जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं डेल्टॉइड के, वो प्राइम मूवर्स होते हैं शोल्डर फ्लेक्शन के लिए, तो जब हमारे डेल्टॉइड मसल काम नहीं कर रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो अपर ट्रेपेजियस ज़्यादा काम करने लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होगा तो वो साथ साथ में अपना जो शोल्डर है उसको एलिवेट भी करेगा। तो ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है वो शोल्डर को एलिवेट नहीं कर रहा हो जब फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि उसका मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, वो शोल्डर को एलिवेट नहीं करना चाहिए शोल्डर फ्लेक्शन का मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे जब हमारा जो डेल्टॉइड मसल काम नहीं कर रही होती है तो उसकी वजह से जो हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड है वो एक्सेसिव काम करने लग जाता है, तो उसकी वजह से जब शोल्डर का फ्लेक्शन मूवमेंट पेशेंट परफॉर्म कर रहा होता है तो वो एक्सटर्नली रोटेट कर देता है अपने शोल्डर को, तो और फिर वो मूवमेंट परफॉर्म करता है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जब डेल्टॉइड मसल काम नहीं कर रही होती और जब बाइसेप्स ब्रेकाई ज़्यादा काम करने लग जाए तो उसकी वजह से वो शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट कर देगा और फिर फ्लेक्शन करेगा, तो ये भी हमें मूवमेंट नहीं कराना है। जब हम MMT चेक कर रहे होते हैं फ्लेक्शन की, तो जो पेशेंट का जो हैंड है वो प्रोनेटेड पोजिशन में रखना है और फिर हमें फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करवाना है। इसके अलावा जो मूवमेंट है वो प्योरली शोल्डर जॉइंट पे होना चाहिए, जो पेशेंट है वो अपनी बॉडी को लीन करके और फिर अगर रेंज बढ़ाना है बढ़ा रहा है, तो ये भी सारी बातें हमें नोट करनी है और ये हमें ट्रिक मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सुप्रा स्पाइनेटस होता है वो इनिशियल फ्लेक्शन मूवमेंट कराने में मदद करता है, तो इस वजह से अगर जो पेशेंट है उसको डिफ़िकल्टी आ रही है इनिशिएट करने में मूवमेंट को, फ्लेक्शन मूवमेंट को, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे रोटेटर कफ में या फिर सुप्रा स्पाइनेटस मसल में कोई इंजरी हो रखी है, तो उस वजह से वो पेशेंट जो है वो इनिशिएट नहीं कर रहा है अपना फ्लेक्शन मूवमेंट, क्योंकि इनिशिएट कौन कराता है फ्लेक्शन का मूवमेंट, सुप्रा स्पाइनेटस, वो मदद करती है इनिशिएट करवाने में। तो अब हम देखेंगे कि एक्सटेंशन की MMT शोल्डर जॉइंट की कैसे लेते हैं। तो इसके अंदर जो पेशेंट जो होगा वो प्रोन लाइन के अंदर होगा, जो पेशेंट होगा वो प्रोन लाइन के अंदर होगा, और फिर हम जो एक्सटेंशन की MMT है वो चेक करेंगे। तो जो एक्सटेंशन मूवमेंट है शोल्डर का वो लैटिसमस डोर्साई परफॉर्म करती है, जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं हमारे डेल्टॉइड मसल के उसकी मदद से एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, और उसके अलावा जो टीरीस मेजर होती है वो भी हेल्प करती है एक्सटेंशन मूवमेंट करवाने में। लेकिन इसके अलावा कुछ एसेसरी मसल्स भी होती है, जैसे कि ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, तो वो भी हेल्प करवाती है एक्सटेंशन मूवमेंट के लिए शोल्डर जॉइंट का। तो जो नॉर्मल रेंज होती है शोल्डर जॉइंट एक्सटेंशन की वो होती है 0 से 45 डिग्री। तो जो पेशेंट जो होगा वो प्रोन लाइन के अंदर होगा, उसका जो हैंड होगा वो इंटरनली रोटेटेड होगा, और फिर हमें पेशेंट को बोलना है कि वो अपना एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करे। तो ये जो अभी हमने चेक किया वो था ग्रेड 3, यानी ग्रेड 3 का मतलब है ग्रेविटी के अगेंस्ट, और इस टाइम हमें रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं देना और फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करना है। अब जब मैं ग्रेड 4 दूंगी तो इस टाइम क्या करना है, मुझे रेजिस्टेंस देना है एल्बो जॉइंट के जस्ट अबाउ मैं रेजिस्टेंस दूंगी, और फोर्थ ग्रेड के अंदर हम क्या करते हैं स्लाइट टू मॉडरेट रेजिस्टेंस देते हैं। और अब उठाओ, अगर पेशेंट पूरा उठा लेता है तो इसका मतलब उसका ग्रेड 4 अच्छा है। अब ग्रेड 5 के लिए मैं क्या करूँगी, अपना मैक्सिमल रेजिस्टेंस दूंगी। अब उठाओ, अगर वो उठा पाता है, इस केस में ये नहीं उठा पा रहे, और ग्रेड 5 के अंदर अगर वो पूरा अपना रेंज ऑफ मोशन कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब ग्रेड 5 भी उनका है। अब हमने ग्रेड 3, 4, 5 तो चेक कर लिया, अब हम देखेंगे ग्रेड 2 ऑफ शोल्डर एक्सटेंशन। तो ग्रेड 2 के लिए हमें क्या करना है, जो पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में लेके आना है और हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको अपना शोल्डर एक्सटेंड करना है। और अब जो ग्रेड 1 होता है वो होता है फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, पेशेंट मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाता,
लेकिन जो मसल्स होती है वहाँ पे हमें हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, या फिर अगर हम पालपेट करेंगे तो वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। जैसे जो शोल्डर एक्सटेंशन होता है वो कौन सी मसल्स करवाती है, हमारी जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड होती है वो हमारा शोल्डर एक्सटेंशन कराती है। तो वहाँ पे अगर हम अपना हाथ रखेंगे तो वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन फील होगा या फिर हमें फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो टीरीज मेजर होती है वो भी शोल्डर एक्सटेंशन मूवमेंट करवाती है। तो हमारा जो स्कैपुला होता है अगर उसके लेटरल बॉर्डर के ऊपर अगर हम हाथ रख के फील करेंगे तो वहाँ पर भी हमें फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा।